आप सब, आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे, एकदम बढ़िया मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे कपड़े जो है डाल रखे हैं, और अभी हम लोग हैं जम्मू में। जम्मू में मतलब होटल में रुके हुए हैं, तो कपड़े, धूप बहुत अच्छी हुई थी, तो मैंने सोचा जो कपड़े हैं इकट्ठा हुए थे तो सारे कपड़े हम यहाँ पे डाल दें। और नहा लिया है। नहाने के बाद मेरा जो काम है, मैं आम औरतों की तरह, आम इंसानों की तरह, ये नहीं कि नहा ली हूँ तो सबसे पहले का काम क्या है कि मेकअप कर लूँ, नहीं, मेरा सबसे पहले का काम क्या होता है कि मतलब जो दैनिक काम है, जैसे झाड़ू पोछा ये कर लो और कपड़े वगैरह सब चीज़ डाल दो, तो वही सब चीज़ मैं कर रही थी। और अभी मैंने कपड़े वगैरह डाल दिया है, तो इसमें लिखा हुआ था कि आप कपड़ा मत धोइए यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि नहीं, कपड़े तो धोना ही चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो मेन कपड़े तो धो ही सकते हैं। फिर उसको मैंने धोया, और यहाँ से जो है वैष्णो जी का जो चढ़ाई है, मतलब मंदिर तो नहीं दिखता है, मंदिर तो आपको पूरी चढ़ाई में नहीं दिखेगा। और वैसे मैंने छोटी छोटी क्लिपें जो है बहुत सारी आपको ली है शेयर करने के लिए, तो आई होप कि वीडियो स्टार्ट करूँगी तो उसके बाद आपको वो देखने को मिलेगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पहली बार विजिट कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए टाइम ना ख़राब करके पहले वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है छत पे आके, तो मैं यहीं एडिटिंग वाला काम यहीं करूँगी, क्योंकि छत पे कोई बोलेगा नहीं और कमरे में तो कोई ना कोई बोलता ही रहेगा, ठीक है। बाय बाय नहीं, हाय, गुड मॉर्निंग। और इस टाइम बज रहा है कितना वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं कैमरा स्टार्ट करने के पहले टाइमिंग नहीं देखी थी, और हो सकता है कि 9:30 या 9 इतना टाइम हो। फ़िलहाल मैं टाइम ना ख़राब करके पहले वीडियो एडिट कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि वैष्णो जी की मतलब बहुत बहुत अद्भुत है, बट आपको मैं अभी बता दूँगी तो आप वीडियो नहीं देखेंगे, तो फिलहाल वीडियो देखिए। और मैं आपको अभी माता रानी का, मैं यहाँ टेरिस्ट पे हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पहाड़ों पे जो सीढ़ियाँ दिखती है वो दिखेगी। मंदिर तो आपको 2 जगह दिखती हैं, बस 2-3 जगह, पूरे चढ़ाई में आपको मंदिर नहीं दिखेंगी। तो मंदिर बहुत ही ऊँचे पे हैं, और चढ़ाई के दौरान बिल्कुल भी नहीं दिखती, अभी भी नहीं दिख रही हैं। रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको, जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं जिससे चढ़ के हम लोग जाते हैं, तो ये देखिए आपको लाइनिंग दिख रही है, ये सीढ़ियाँ हैं देखिए इधर साइड में, और इस साइड में मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस साइड में भी देखिए सीढ़ियाँ आपको देखने की पहाड़ पे मिल जाएंगी, और एक जो है सफ़ेद सफ़ेद से मंदिर दिख रहा है वो ये जो आपको बीच में दिखने को मिल रहा है, ये अर्धकुमारी का मंदिर है, जो कि अर्धकुमारी का जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम अर्धकुमारी मंदिर में आ गए हैं। तो जहाँ पे माता ने 9 महीने विश्राम किया था और गर्भ योनि में, और हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे गर्भ योनि का मतलब ये है कि गर्भ योनि में जब इन्होंने विश्राम किया था तो बिल्कुल गर्भ के जैसे, जब बच्चे 9 महीने गर्भ में रहते हैं उस टाइम का सीन होता है, उस टाइम का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, तो वो पहाड़ों के में बना है। हम लोग ना उसमें लेट के गए थे, तो कहते हैं कि अगर इसमें आप एक बार पार कर लो तो जन्म मरण की जो बाधाएं हैं उससे आप मुक्त हो जाते हो, लेकिन हमने एक बार कर लिया है। और अगर ऐसा होता है जो बताया जाता है तो भगवान मुझे अब इस धरती में ना भेजे तो ज़्यादा अच्छा लगे, बट पता नहीं मेरे कर्म कैसे हैं वो भगवान माता रानी ही तय करेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं।
तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो आगे नई नई वीडियो देखने के लिए, और बेल का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मैं आपको नई नई वीडियो दिखाती रहूँगी। अभी मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी, तो मैं स्टार्टिंग से अपनी वीडियो दिखा रही हूँ। और अभी देखिए मैंने शॉल ओढ़ रखा है, इतना ज़्यादा मौसम गर्म हो रखा है यहाँ पर। ये भाई साहब को मैं आपको सुनाती हूँ। आ गया माल कंपनी वाला गर्मा गर्म। ये आ गया भैया गर्मा गर्म कंपनी वाला। खा पी लो तो ये जो बच्चा है ये इनकी मम्मी जो है यूट्यूबर हैं। और अभी देखिए इतना छोटा सा बच्चा है, देखिए ऊपर कैसे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। और हेलो एवरीवन ऐसे बोलता था करके। और अभी हम लोग मतलब जम्बू तवी में आ चुके हैं, ट्रेन जो है आ चुकी है। और अभी हम लोग स्टेशन पर उठा रही। तो विकास हमसे कह रहे थे आंटी जी अपनी तबीयत का ख्याल रखना। तो सच में यार तबीयत से लेके मैं परेशान रहती हूँ। अचानक से कहीं भी ठंडी थोड़ी सी भी लगी नहीं, खान पान में थोड़ा सा रूटीन कुछ ख़राब हुआ, हालांकि मैं बचाती रहती हूँ। फिर उसके बाद भी अभी देखिए मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, मैंने स्वेटर पहन रखा है और ठंडा मौसम था भी। तो अभी हम लोग उतर चुके हैं ट्रेन से और अब जा रहे हैं बस अड्डे की तरफ से मतलब बस लेने के लिए। तो बस अभी सब लोग श्रेया भी बहुत मदद बहुत ही ज़्यादा कर रही है। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड पर, और उसके बाद बस जो है पकड़ी जाएगी तो हम लोग जम्बू जाएंगे। मतलब अभी तो जम्बू तभी स्टेशन पे हम लोग हैं, तो अब हम लोग उसके बाद हम लोग जाएंगे जम्बू। और जम्बू जाके पहले तो होटल लेना है, फिर रेस्ट करना है, फिर नेक्स्ट डे में हम लोग जाएंगे माता जी का दर्शन करने। तो अभी तो फ़िलहाल में ढेर सारी जो है बसें जो हैं, जानकारी जिसको नहीं है ना वो गलत तरीके से कुछ भी उनको भ्रमित कर सकते हैं बस वगैरह कोई भी, अगर आप कहीं भी जाते हो तो। तो अभी हम लोग बस पे बैठ चुके हैं। मेरे भतीजे जी विंडो वाली सीट पकड़ ली है। मैंने कहा कि विंडो वाली सीट मुझे दे दो क्योंकि मुझे मेरे बीवर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मेरे बीवर यहाँ तक पहुँचाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बुआ भतीजे की लड़ाई हो रही है कि विंडो सीट पे, और विंडो सीट पे अगर रहूँगी तो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि क्या क्या है। और थोड़ा सा जो ग्लास मतलब विंडो की जो ग्लास रहती है उससे ना कैमरे रिकॉर्डिंग करने में जो है क्लिप लेने में डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ये लड़का नहीं मान रहा है। नहीं मुझे विंडो से, बच्चे होते भी हैं कि हम लोग चाहते भी कुछ चीज़ नया देखते रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ऐसी है जो कि हम आपको दिखा सकते हैं, मेरी सोचना उनका सोचना बहुत ही अलग है। जो कि अभी हम दोनों की हम लोग देखिए यहाँ पे खा रहे हैं चूस मतलब चूस रहे हैं लिविन देखिए मैं वजह से आ भी नहीं रहा था, लिविन चूस बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग चूस रहे थे और हम लोग मस्ती भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो ये देखिए बैठे हैं, जाएंगे होटल में पहुंचेंगे, फिर नहाएंगे, फिर जाके फ्रेश फ्रेश फील करेंगे। अभी तो फिलहाल लिविन चूस हम लोग।
ये बहुत अच्छा जा जा। तो अभी जो है टनल दिख रहा है, टनल में दो से तीन टनल दिखेंगे जिसकी फर्स्ट टनल छोटी रहेगी और उसके बाद मतलब उससे बड़ी रहेगी और जो थर्ड चैनल है वो टनल है वो बहुत बड़ी रहेगी। तो जैसे बाहर से रिकॉर्डिंग करने में और खड़े हो के कर नहीं सकते क्योंकि बस चल रही है समय, तो बहुत ही अद्भुत अदृश्य है यहाँ पे। आके आप लोग ज़रूर देखिएगा, माता रानी का दर्शन करिएगा और टनल वगैरह सब देखिएगा। तो हम लोग जम्बू तवी से अभी जम्बू जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा खड़े होके करने में पब्लिक देखेगी कि अगर क्या रही हैं, और अगर झटके में गिर गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। आगे आगे वीडियो देखने के लिए नई नई वीडियो नई नई चीज़ें आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन प्रेस करना ना भूलो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मैं नई वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। इसके जो आगे की भाग है वो मैं आपको साथ शेयर करती रहूँगी, बट अभी बाय। नेक्स्ट वीडियो बहुत तो जो है आपको अच्छी लगने वाली है, तो बाय। और नए नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपको एंटरटेनमेंट करती रहूँगी। बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।